मथिरा गांव के आसपास कई छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। पहाड़ के ऊपर सबसे अंत में अनंतगिरी गांव है। उस गांव के चारों तरफ पहाड़ है। गांव के अंदर जाने और वहां से बाहर आने के लिए केवल एक ही मार्ग है, वो है भूतिया मार्ग। दिन के वक्त भी उस मार्ग से जाने में लोग डरने लगते हैं। रात के वक्त उस मार्ग से कोई जाता आता नहीं है, क्योंकि वह मार्ग पिशाच, आत्माएं और भूत प्रेत का निवास स्थान है। यहीं पर भूतों की प्रजाति निवास करती है। उस मार्ग पर जाने वाले कई लोग वहां से गायब हो चुके हैं, इसलिए भूतिया मार्ग से सभी लोग कांपते हैं। मदिरा गांव और आसपास के सभी छोटे मोटे गांव वाले वे लोग मिलकर गांव के दामन में स्थित पिशाचनी को हर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बकरी की बलि देकर उस खून को पिशाचनी को प्रसाद के रूप में चढ़ाकर बिना पीछे मुड़कर देखे लौट आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन कोई भी अपने घर से बाहर नहीं आते। ऐसे में एक दिन दादाजी, मदिरा के सभी गांव बहुत ही हरे भरे दिखते हैं, सिर्फ हमारे अनंतगिरी छोड़कर। ऐसा क्यों दादाजी? अनंतगिरी को श्राप है बेटा, हम पहाड़ में है ना, इसलिए कुएं का पानी सूखते जा रहा है। इस बार और गहराई से खोदना पड़ेगा। हमें पानी के लिए इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है, मुझसे ये देखा नहीं जाता। कल खेत वाली कुएं को मैं और गहराई से खोदूंगा। बाप रे, उस कुएं को? नहीं नहीं, उस पश्चिम दिशा के कुएं के बारे में सोचना भी मत, वह बहुत खतरनाक है। क्यों दादाजी, खतरनाक क्या है? उस कुएं में ऐसा क्या है? पश्चिम दिशा के कुएं के बारे में बात करना ही अशुभ है। बाप रे, खतरनाक है, खतरनाक है। मल्लिक कोई बुरा सपना देखकर चौंक के नींद से जाग गया। दादाजी ने कहा था कि पश्चिम दिशा के ओर के कुएं को मत खोदना, पर क्यों ऐसा कहा था उसके मन में जानने की इच्छा हुई। इसलिए अगले दिन किसी को कुछ कहे बिना उस कुएं को खोदने अकेले ही निकल पड़ा। इस कुएं को इतने खोदने पर भी एक बूंद पानी नहीं निकला, पर यह सुरंग क्या है? इसमें इतने मुंडे क्यों हैं? यह सब कुछ अजीब लग रहा है, दादाजी को पूछना होगा। अरे, ये जार क्या चीज का है? इसे भी ले जाता हूं। ऐसा कहकर उस जार को अपने सर पर रखकर गांव की तरफ मलिक जाने लगा। तब तक अंधेरा हो चुका था, इसलिए कोई भी बाहर नहीं दिखाई दे रहे थे। हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय,
हाय हाय। उस जार को देखकर दादाजी डर गए। अरे मलिक, ये तुमने क्या किया? तुम्हारे परदादों ने जैसे खत्म किया था, तुमने फिर से उसको सर पर रख कर ले आए। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। हम सभी लोग मारे जाएंगे। दादाजी, मुझे माफ कर दो। गलती से मैं इस जहर को खोद कर ले आया। यदि मुझसे भूल हुई हो तो मुझे माफ कर दो दादाजी। उस झील को देखकर दादाजी बोले, वो देखो आ गई। हाय को तुमने नींद से जगाया है। मार डालेगी, सबको मार डालेगी। तब तो फिर से जाके मैं इसे कुएं में दफना कर आ जाऊंगा। नहीं, कुएं में अंधेरा होगा, रोशनी है, इसलिए वो जार से बाहर नहीं निकली है। हाँ, जल्दी से जाकर इस जार को भूतिया मार्ग में दफना कर आ जाओ। दादाजी ने जैसा कहा वैसे ही जार को अपने सर पर रखकर भूतिया मार्ग से जाने लगा। हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। मलिक भूतिया मार्ग के एक जगह पर जार को रखकर गड्ढा खोदने लगा। इतने में एक चील उड़ती हुई आई और जार को धक्का मार दी। हमारी हाय लगेगी, तुम लोगों की बलि लूंगी। यह सब देखकर मल्लिक डर के मारे गांव की तरफ भागने लगा और उसका पीछा कर रही थी हाय पिशाचनी। मगर सूर्योदय होते ही हाय पिशाचनी वहां से गायब हो गई। सूर्योदय होने की वजह से वह उस पिशाचनी से बचकर गांव में पहुंचकर दादाजी को सारी बात बताया। तुम्हारी एक गलती के कारण गांव के सभी लोग मुसीबत में पड़ गए हैं। ये बात किसी को मत कहना। कुछ भी हो जाए पर तुम घर से बाहर मत निकलना बेटा। अंधेरा होते ही हाय पिशाचनी की शक्तियां लौट आई। वो दामन को पार करके गांव में आने ही वाली थी कि तभी एक पिशाचनी, को पिशाचनी मुझे पार कर जा नहीं सकती। मेरे होते हुए इस दामन को पार करना तुम्हारी बस की बात नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है। मैं जब प्यार से बुलाऊंगी तो वे खुद ब खुद आकर अपने आप को बलि देंगे। इस गांव के लोगों को मुझसे कैसे बचाओगी मैं भी देखूंगी। हर दिन एक एक करके 661 कुंवारे लड़कों को जब तक मैं बलि न ले लूं तब तक मेरी हाय कम नहीं होगी। ऐसा कहकर वह वहां से गायब हो गई और भूतिया मार्ग में एक बड़े से बरगद के पेड़ पे लटक कर अपनी मुंडियों की चोटियों को हिलाने लगी। मामा, ओ मामा, आओ मेरे लिए। मामा, ओ मामा, आओ मेरे लिए। मामा। हाय पिशाचनी की प्यार भरी पुकार सुनकर 20 साल से कम उम्र वाले लड़के अनजाने में ही उस भूतिया मार्ग पर जाने लगे। ओ मामा, आओ मेरे लिए। मामा, आओ मेरे लिए। मामा, ओ मामा। इस प्रकार जाने वाले लड़कों को दामन वाली पिशाचनी
रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस पिशाचनी की प्यार भरी पुकार की वजह से दामन वाले पिशाचनी की कोई बात नहीं सुन रहा था। हे मानव, जाना मत। वो प्यार वाली पुकार नहीं, बदले की आग में जलती हुई पिशाचनी की पुकार है। अगर जाओगे तो मारे जाओगे। हे मानव, पीछे मुड़कर चले जाओ। मामा, ओ मामा, आओ मेरे लिए। इस प्रकार 16 दिनों में 16 लड़के उस हाय पिशाचनी की आग में मारे गए। असल में वो प्यार भरी पुकार क्या है, सिर्फ कुंवारी लड़के ही उस प्यार वाली पुकार के बस में क्यों आ रहे हैं, और भूतिया मार्ग में जाने के बाद वहां से लौट कर क्यों नहीं आ रहे हैं, यह बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए सभी लोगों ने एक समावेश किया। इधर मलिक को दादाजी ने घर में लोहे की जंजीर से बांध रखा था ताकि हाय पिशाचनी की पुकार सुनकर वो ना जा पाए, क्योंकि मल्लिक भी 20 साल का कुंवारा लड़का था। हम अपने गांव में पूर्णिमा और अमावस्या के नियमों का पालन करते आ रहे हैं, फिर भी भूतिया मार्ग पर लड़के क्यों मारे जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। जाने अनजाने में यदि आप में से किसी से गलती हुई है तो बेफिक्र होकर बताइए, और एक भी जान नहीं जानी चाहिए। गलती जानते हुए भी दादाजी कुछ ना बोले और चुप रह गए। मुखिया जी, बिना देर किए तांत्रिक दादी से मदद मांगते हैं, सिर्फ दादी ही हमारी मदद कर सकती है। तो फिर जल्दी से जाकर दादी को बुलाकर लेकर आओ। दादी आकर सारी बातें जानी, और जानने के बाद गांव के दामन में एक काली बिल्ली की बलि चढ़ाई। दामन वाली पिशाचनी को बुलाई। तुम्हारी पसंद वाली बिल्ली की खून पीकर बताओ, कौन इस गांव के लड़कों को भूतिया मार्ग पर बुलाकर मार रहे हैं? हाय हाय, हाय हाय! उसकी प्यार भरी पुकार सुनकर भी कोई लड़का उस भूतिया मार्ग पर न जाए, इसलिए लड़कों को रस्सियों से पेड़ से कसकर बांध दीजिए, जल्दी, अंधेरा हो रहा है। दामन में रहने वाली औरतें और बड़ों ने मिलकर कुंवारे लड़कों को घर में जाकर रस्सियों से बांध दिए। यहां तांत्रिक दादी और गांव के कुछ बड़े ही दामन में मौजूद थे। इतने में अंधेरा हो रहा था, प्यार भरी हाय पिशाचनी की पुकार शुरू हो गई। मामा, ओ मामा, आओ मेरे लिए। मामा, ओ मामा, आ मेरे लिए। पुकार को सुनकर कुंवारी लड़के जंजीर को तोड़कर नहीं जा पा रहे थे। वो देखो, हाय पिशाचनी की प्यार भरी पुकार। हाँ, सुन रही हूँ। उसे मैं अपनी बेताल शक्ति से तुम्हारे सामने लाकर बंदी बनाऊंगी, देखो। दादी मंत्र दंड से बेताल मुगु डालकर मंत्र पढ़कर हाय पिशाचनी का आवाहन की। कौन हो? इस गांव के लड़कों को क्यों मार रही हो? 661 लोगों की हाय लगी है इनको, मैं इनको मार डालूंगी। हिसाब बराबर, हमारे 661 लोगों की जाने
इस गांव के 661 लोगों की जान लिए बिना मैं नहीं जाऊंगी। 661 लोग, असल में बात क्या है, अब से 3 जमाने पहले मदिरा के सबसे अंतिम गांव अंतगिरी पहाड़ पर स्थित गांव, पहाड़ पर रहने की वजह से गर्मी के दिनों में कुएं सूख जाते थे। तब उस गांव में मोहन सराजी नामक एक शुद्र तांत्रिक की सलाह से कुएं की शुद्र देवता मंगूची को कुंवारी लड़कियों की बलि देने से भरपूर पानी आएगी कहकर बताया है। तभी से आसपास के गांव से अनाथ और गरीब कुंवारी लड़कियों को चिकनी चुपड़ी बातें कर इस गांव में लाकर उनको इस कुएं पर नर बलि देकर बलि दी हुई सर को कुएं में लटकाते थे। उनके कुएं में पानी के लिए, उनके फसल उगाने के लिए इस अंतगिरी लोग के 660 कुंवारी लड़कियों की बलि दी है। उसी वक्त वासंती नामक मैं दूर से रिश्तेदार मोहन सराजी के घर आई थी। तब तक वह गांव के पश्चिम दिशा की ओर 20 एकड़ भूमि खरीद कर गांव में सबसे बड़ा कुआं खोद रहा था। कितना खोदने पर भी उस कुएं में पानी नहीं निकल रहा था। रिश्तेदार करके भी नहीं छोड़ा। एक दिन रात को मुझे उस कुएं को बलि दे दी। जबरदस्ती मरने की वजह से मैं पिशाचिनी बन गई हूँ। गांव के सभी लोगों की कुएं मैंने सुखा दिया। एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे थे। तभी मेरा अंत करने के लिए वह शुद्र तांत्रिक मगुची उपासना कर रहा था, लेकिन मैं मगुची का सामना करने के लिए मुझसे पहले वाली होने वाली 660 कुवारी लड़कियों की आत्माओं को मुझ में मिलाकर 661 प्रेतात्माओं की शक्ति बनकर हाय पिशाचिनी में बदलकर उस तांत्रिक को मार डाली हूँ। लेकिन वो मोहन मयों से कपाल तांत्रिक को लाकर ग्रहण के समय शक्तिहीन मुझे एक जार में बंदी बनाकर 660 लड़कियों की बलि दी हुई मुंडियों से मिलाकर उस पश्चिम दिशा की कुएं में दफना दिया है। इतने दिनों से बदले की आग में जल रही थी मुझे। उस सराजी के वंश का ही उस मोहन के पर पोता मल्लिक सराजी ही छुड़वाया है। हाँ, मेरा पोता गलती से उस जार को खोद कर निकाला। मेरे पिता की गलती की सजा मेरे पोते को मत दो, मलिक को छोड़ दो बेटी। अरे बुड्ढे, कितने दिनों तक अपने पोते को बांध कर रखेगा? जब तक मैं उसे नहीं मारूंगी मेरा बदला पूरा नहीं होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी बुड्ढे, तुम्हारी वजह से इतने लोग मारे गए हैं। देखो, उसी वक्त सारी बातें मुखिया को बता देते तो इतने लोग मारे नहीं जाते हैं ना। हम सब की हाय से तुम लोग खुश कैसे रहोगे? सभी को मार डालूंगी। हे उसरु, हाय, सराजी ने गलती की है। जान के बदले जान ये कोई हल नहीं है। तुम्हारा बदला पूरा होकर परलोक में जाने के लिए क्या करना होगा बताओ। कुंवारी लड़कियों की बलि देने शुरू करने वाली उस सराजी वंश का नाश होना है। उसका परपोता मल्लिक सराजी को मेरे हाथों मरना होगा। उसका बेटा मनोज सराजी को भी मरना होगा। यह सुनकर दादा पश्चाताप के कारण घर जाकर मल्लिक की जंजीरों को तोड़ दिए। मल्लिक हाय पिशाचिनी के नशे में दामन तक आ गया। हाय पिशाचिनी बहुत ही क्रूरता से मल्लिक को मार डाली और दादा अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए पेड़ से फांसी लगाकर मर गए। बदला पूरा होने के बाद हाय पिशाचिनी अपने अंदर की 660 आत्माओं को छोड़ दिया। तुम्हारा बदला पूरा हो गया है ना, अब शांति से परलोक चली जाओ। ऐसा कहकर दादी के मंत्र जल को छिड़कते ही चुड़ैल हवा में धूल की तरह भस्म हो गई।
तुम्हारी मौत मेरे हाथों से ही होगी। कबीरा